हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का। यूप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन आते हैं कि बीसीए कोर्स रिलेटेड, कि बीसीए कोर्स में कितने खर्चे होते हैं, कितनी फीस लगती है। तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं, कमेंट में बहुत आते हैं। तो मैं बता देता हूँ बीसीए कोर्स में कितनी फीस लगती है। दिल्ली एनसीआर में, खासकर जहाँ मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर आपको फीस दिखा देता हूँ पूरी। ये पूरी 3 साल में यूज करी गई फीस की मतलब स्लिप्स हैं, जो अकाउंट से मिले, मतलब कॉलेज के अकाउंट से निकाली हुई है। तो इतना खर्चा आता है, मतलब कि ये पूरे 2,40,000 रुपीज़ है। यानी कि मतलब आप सोच सकते हो 2,40,000 रुपये, 76,80,000 मान लो आप, इतना खर्चा आता है मतलब पर ईयर। 76,000 मेरी फीस थी, बाकी पेपर फीस वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिला के सेमेस्टर में। तो इतना खर्चा नॉर्मली बनता है। तो उसके बाद आपकी स्कॉलर वो क्या बोलते हैं, हॉस्टल, जहाँ आप फर्स्ट ईयर में तो आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर कोई एनसीआर सिटी में रह रहे हो तो आपको कोई चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो आपको कॉलेज के हॉस्टल में रहना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको, मेरे कॉलेज का हॉस्टल की फीस थी 90K, तो आपका ये हो जाता है पूरा जाके 3.5 लाख के आसपास। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट ईयर अगर आप कहीं बाहर स्टे करना चाहते हो, अपने दोस्तों के साथ कहीं रूम वगैरह में लेना चाहते हो, तो और आप 1 लाख रुपये 2 ईयर्स का मान लो, तो ये 4.5 लाख के आसपास चीज़ें पहुँच जाती हैं धीरे धीरे, और आप पूरा 5 लाख का खर्चा हो जाता है। और आप अगर थोड़े अच्छे से मैनेज करोगे तो 4-4.5 लाख में हो जाता है। तो ये स्लिप्स हैं ये पूरी, मतलब अगर आप अच्छे से स्किल सीख लोगे, कोडिंग अच्छे से आने लगेगी, तो आपकी जॉब भी लग सकती है, आप आगे एमसीए भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, तो आपने देखा कितनी फीस लगती है एमसीए कोर्स में। तो ये सारी चीज़ें थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर बता देना।